नमस्कार, मैं राजीव रंजन कुमार आप सभी को आपके अपने छोटे से YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आज संडे है और नॉर्मली सैटरडे संडे छुट्टी का दिन होता है, लेकिन हमारे लिए छुट्टी का दिन नहीं होता। हम होम लोन सेल्स वालों के लिए ये वीक ऑफ नहीं होता, क्योंकि सैटरडे संडे को मोस्टली क्लाइंट्स छुट्टी पे होते हैं, घर पे होते हैं, तो उनसे हमारी मुलाकात होती है, हमारी मीटिंग अपॉइंटेड होती है। तो हमें मीटिंग करने होते हैं और जो छोटे मोटे डॉकेट साइन कराने होते हैं, कभी एप्लीकेशन फॉर्म साइन कराने होते हैं, तो ये दो दिन इन्हीं चीज़ों में बीत जाता है। जैसे आज के दिन मैं दो जगह के लिए अपॉइंटेड हूँ। एक मुझे पालम कॉलोनी में राजनगर पार्ट टू जाना है, वहाँ मुझे डॉकेट साइन कराना है। उन्होंने एक फ्लोर ख़रीदा है गुड़गांव में, बिल्डर फ्लोर 200 गज का, नहीं 200 नहीं है, 260 गज का बिल्डर फ्लोर ख़रीदा है। तो उनका लोन सैंक्शन हो चुका है, अब वो डिसबर्सल के लिए जा रहा है, तो कुछ डॉक्यूमेंट साइन कराना है, उसके लिए मुझे राजनगर पार्ट टू पालम कॉलोनी जाना है। उसके बाद दूसरा अपॉइंटमेंट मेरा वहाँ पे है, क्या कहते हैं, लाजपत नगर में, जिससे मेरी आज मीटिंग होने वाली है। वो M3M में एक सबमेंशन स्कीम में फ्लैट लेने जा रहे हैं, तो उनसे एक मीटिंग है। यानी आज दो जगह मैं शेड्यूल्ड हूँ। अच्छा, एक चीज़ बता देता हूँ, सबमेंशन स्कीम क्या होता है। नॉर्मली बैंक और बिल्डर के बीच में ना एक एग्रीमेंट होता है कि आप इस तारीख से, मतलब इस दिन महीने और सन से, यानी डेट मंथ और ईयर से, इस डेट मंथ ईयर तक आप कस्टमर से EMI नहीं वसूल कर सकते। ठीक है, मतलब मैं कस्टमर हूँ और मैंने किसी बिल्डर के पास गया और वहाँ उस बिल्डर का, मान लीजिए XYZ बिल्डर का किसी ABC बैंक से सबमेंशन एग्रीमेंट चल रहा है, तो मैं एज ए कस्टमर अगर XYZ बिल्डर के पास गया फ्लैट लेने के लिए, उन्होंने कहा कि सबमेंशन स्कीम चल रहा है, आप फ्लैट खरीद सकते हैं, मेरे लिए फ़ायदा क्या होगा कि कुछ सालों तक मैं EMI की लाइबिलिटी नहीं, मेरे पास EMI की लाइबिलिटी नहीं होगी। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, तो ये एक तरह से कस्टमर के लिए फ़ायदा है, क्योंकि 3-3.5 साल लगता है बिल्डिंग बनने में, और ये 3-3.5 साल तक बैंक EMI नहीं वसूलता। जो उसका pre-EMI यानी जो इंटरेस्ट होता है वो बिल्डर से वसूल लेता है, बदले में बिल्डर को फंड मिल जाता है, बिल्डर बिल्डिंग खड़ी कर देता है और 3-3.5 साल बाद हैंडओवर दे देता है। बड़ा आसान है। और वो 3 साल का जो EMI की लाइबिलिटी जो होती है पे करने की, वो आदमी बच जाता है, तो उसका यूटिलाइज़, उस फंड का यूटिलाइज़ हम कहीं और कर सकते हैं। आजकल बड़ा चल रहा है, बहुत बढ़िया स्कीम है, हर जगह सबमेंशन स्कीम चली रहा है किसी न किसी बिल्डर के साथ, तो ठीक है। ओवरऑल मतलब दोबारा बता देते हैं अगर नहीं समझ में आई हो, तो सबमेंशन स्कीम बिल्डर बैंक के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें कस्टमर की क्रेडिबिलिटी पे बिल्डर फंड लेता है बैंक से, और उस फंड का यूटिलाइज बिल्डिंग खड़ी करने में करता है, और इन बिटवीन कुछ दिनों तक कस्टमर के ऊपर EMI की लायबिलिटी नहीं होती है बैंक की तरफ से। उस फंड के ऊपर बैंक बिल्डर से इंटरेस्ट वसूलता है, और सबमेंशन स्कीम सभी बिल्डरों को नहीं मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो मार्केट में ट्रस्टेड हैं, जिनका रेपो अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो बैंक उसी को सबमेंशन स्कीम देता है, उसी बिल्डर को ही देता है ना, तो ध्यान रखिएगा। और इन सब के अलावा भी होम लोन से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो मुझे ज़रूर संपर्क कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लोन इंक्वायरी फॉर्म डाला है, गूगल सीट है, उस पर क्लिक कीजिए, अपना नाम गाम डालिए और अपना क्वेश्चन या जिस चीज़ में आप हेल्प चाहते हैं वो एंटर कर दीजिएगा, सो डैट मेरे पास आ जाएगा, मैं आपको ज़रूर उसमें सहायता करूँगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।